हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिया क्रिएशन अगेन। मैं अमित बोरणिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक नया फीचर्स जो लोग स्काईकट कैमियो और ग्राफटेक यूज़ करते हैं उसके लिए। तो हमारे सॉफ्टवेयर में अभी आपको दिक्कत आ रही होगी एक ही चीज़ की कि आपको सारे स्पीड फोर्स मटेरियल वाइज याद रखने पड़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो फीचर्स डाला है, ये फीचर्स है, आप क्या कर सकते हो, पूरा स्पीड फोर्स यहीं से मैनेज कर सकते हो और आपको बस मटेरियल ही सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए अभी जो आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लो और याद रहे ये फीचर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिसके पास कैमियो, ग्राफटेक और स्काईकट प्लॉटर है। तो अभी क्या करना है, जैसे आप ये वाला एक टेम्पलेट आपने ले लिया, चाहे मटेरियल आपका कोई भी है, अभी उसमें आपने टेस्ट कट या कैसे भी आप एक बार स्पीड फोर्स सेट करके टेस्ट कर करके आप चेक कर लो कि ये मटेरियल जैसे हमारी मैट स्किन है तो वो स्काई कट में 8-9 के फोर्स से कट जाती है। तो वो आप एक बार लिख लो, एक ही बार लिखना है। तो जैसे ही आपने सारे मटेरियल्स की स्पीड फोर्स एक बार आपने लिख लिया, जैसे स्पार्कल कितने फोर्स पे कट रहा है, या तो फिर 3D स्किन है, या तो फिर कोई एम्बोज है, रोल है, चाहे कोई भी स्किन है, आपको स्पीड फोर्स, आपको फोर्स एक बार पता चल गया तो आपको नॉर्मली क्या करना होता है, जैसे ये टेम्पलेट है, मुझे अभी ये मैट पे मैट स्किन रहती है जो एंग्रेव बोलते हैं उसको, उसके ऊपर काटना है। तो सिंपली यहाँ पे जब मैं अपना ओपन करता हूँ तो पहले ये सारे ऑप्शन नहीं आते थे। तो अभी लेटेस्ट अपडेट ले लो आप सॉफ्टवेयर का तो आपको ये ऑप्शन दिखने लगेंगे। जैसे ही कर रहे हो, ये स्पीड का ऑप्शन है, ये फोर्स का है। अगर ये टिक नहीं करोगे आप तो होगा क्या कि जो बाय डिफॉल्ट आपके प्लॉटर में सेट है वही चीज़ लेगा, और अगर ये वाला आपने टिक किया हुआ है तो यहाँ से जो आप सेट करोगे वो चीज़ वो लेगा। मतलब कि अगर फोर्स मेरा, मुझे सेट करना है 10-11 पे और स्पीड सेट करनी है 8 पे, तो मैं यहाँ से जैसे ही कट देता वो प्लॉटर कट ले लेगा। अभी मैं फिर से इसको कट देता हूँ तो वो कस्टम सेटिंग, कस्टम मतलब एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है आपका लास्ट कट सेटिंग, तो वो ये चीज़ ले लेता है। अभी समझो कि मेरा ये 13-15-16 के फोर्स पे हम लोग कुछ भी काटते हैं, जैसे मैट स्किन है या तो फिर स्पार्कल है, तो स्पार्कल स्किन जो है वो हम लोग 16 पे काटते हैं। तो 16 आपने सेट कर दिया और इसको सेव कर दो। ये जैसे ही सेव हो गया आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, एक कस्टम, एक स्पार्कल। और दूसरी जो चीज़ है, जैसे ये 16 पे कट गया, अभी कोई एम्बोज है वो आपका समझो 8 के फोर्स पे कट रहा है, तो एम्बोज स्किन करके आप 8 का फोर्स सेट कर दो और उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो अभी करना क्या है आपको, जब भी कट करना है यहाँ पे कट करो, बाय डिफॉल्ट आपका स्काई कट रहता ही है सेटिंग में। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करके कटिंग करो, अगर बंद चालू करना है वो भी यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे स्पार्कल का जो है स्पीड फोर्स उस पर काटना है तो आप सीधा स्पार्कल सिलेक्ट करो, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा और कट कर दो। जैसे एम्बोस करना है वो एम्बोज, तो 8-8 आ गया। अभी समझो कि एम्बोज में आपका ये 8-8 का है वो चेंज करना है, तो आप सिंपली क्या करो, वो चेंज करो, यहाँ पे सेम नाम लिख दो, जैसे EM स्किन, और उसको सेव कर दो। तो ये एम्बोज स्किन ओवरराइट कर दिया तो वो 8 और 14 हो गया। जैसे स्पार्कल का 8-16 है, एम्बोज का 8-14 है, तो 8-14 और कट। तो ये डायरेक्टली यही स्पीड फोर्स पे कट कर लेगा। मतलब एक इजी ऑप्शन हम लोगों ने दे दिया है कि जो कस्टमर हर बार उसको टेस्ट करना पड़ेगा मटेरियल काट रहा है नहीं काट रहा है, ये उसके लिए है। और ये सेम चीज़ हम लोगों ने सब में डाला हुआ है। अभी ग्राफटेक में भी हम लोगों ने दे दिया, जैसे कंडीशन है तो ग्राफटेक जो यूज़ करता है उसको पता है 1, 2, 3, 4 से 8 तक की कंडीशन रहती है कि कौन सी कंडीशन पे उसको कट करना है। जैसे कंडीशन मतलब वो अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि आप स्पीड फोर्स कंडीशन वाइज सेट कर सकते हो। तो सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी, ये कंडीशन ही है एक कि हम लोगों ने दे दिया। आप जैसे यहाँ पे 3 नंबर सिलेक्ट करोगे, कंडीशन काटोगे
तो ग्राफ्टेक में जो आपने सेट किया हुआ है 3 नंबर की कंडीशन पे क्या कटना चाहिए वो वही कंडीशन पे काट देगा। अगर स्पीड फोर्स आपको मैनेज करना है, हाँ ग्राफ्टेक में आप कंडीशन स्पीड फोर्स दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन आप सेट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी जो डिफॉल्ट कंडीशन का स्पीड फोर्स रहता है प्लॉटर में वो ले लेगा। और अगर आप कंडीशन बंद कर रहे हो और स्पीड फोर्स यहाँ से मैनेज करते हो तो सेम चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई वही आपको यहाँ पे भी सेट करनी पड़ेगी। तो स्पार्कल स्किन करके 1 करके भी कर सकते हैं और सेम आप नेम भी दे सकते हो। तो ये स्पार्कल स्किन हो गया, जैसे अगर मैं कुछ अलग करके भी कट करता तब भी वो कट कर लेगा, और जैसे ही मैं ग्राफ्टेक फिर से सिलेक्ट करता हूँ। और हाँ, अगर आप फिर से ये वाला बाय डिफॉल्ट करना है तो एक बार अनचेक करके चेक कर लो, और स्काई कट, और या तो फिर एक ही आप तो यूज़ कर रहे हो, मेरे पास तो सारे सेटअप पड़े हैं तो हम लोग सारे एक ही में आपको दिखा रहे हैं। तो अभी ये कस्टम वाला तो आपने जो लास्ट काटा था वो आ गया, और स्पार्कल स्किन का यहाँ से डायरेक्टली स्पीड फोर्स यहीं से मैनेज हो जाएगा। और सेम चीज़ कैमियो में भी है, ब्लड डेप्थ स्पीड फोर्स आपको जो करना है यहाँ से एक बार सेट कर दो। उसका नाम जो है ABCD, यहाँ पे जो भी आपका मटेरियल है यहाँ पे आप नाम लिख दो। अगर ये आपको लगे कि नहीं मुझे ये चेंज करना है, जैसे कैमियो में है, कैमियो में आपने ABCD ये वाला ब्लड डेप्थ 4 रखी है, तो 4 पे फोर्स मुझे बढ़ाना है इसका ABCD का, तो आप क्या करो सिंपली उसको प्लस माइनस जो भी चेंज करना है करके ABCD लिख के उसके ऊपर ओवरराइट कर दो। तो जब भी आप ये सिलेक्ट करोगे आपका वो पैरामीटर सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला सेटिंग जो है वो हम लोगों ने, ये लास्ट वाला जो अपडेट है जो आज 6 तारीख को रिलीज हुआ है, 6 अप्रैल 2023 को, उसके अंदर दिया हुआ है। मतलब कि आपके पास 2.3.0.4 सॉफ्टवेयर होना चाहिए या तो फिर 3 से 4 से प्लस होना चाहिए तभी ये चीज़ आपको दिखाई देगी। और याद रहे ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ केमियो स्काईकट और ग्राफ्टेक के लिए ही एप्लीकेबल है, दूसरे कोई भी प्लॉटर में हम लोगों ने ये चीज़ इंटीग्रेट नहीं की है। हाँ अभी जैसे जैसे हमारे पास सारे प्लॉटर्स आते जाएंगे, हम लोग सेटअप करते जाएंगे तो वो चीज़ उसमें इंटीग्रेट करते जाएंगे, मगर अभी के लिए सिर्फ ये 3 प्लॉटर के लिए ये चीज़ हम लोगों ने डाली हुई है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट सेम अभी वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे फीचर्स भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में अपडेट किए हैं, तो सारे फीचर्स के एक एक वीडियो आते रहेंगे। एंग्रेव के लिए क्या करना है, अगर PNG फाइल है उसको कटिंग करनी है, ट्रेस करना है, आउटलाइन ऐड करनी है तो वो फ्लिप करना है, एडिट कैसे करोगे, एडिटर में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन अभी इंप्रूव किए हैं, तो वो सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो पहले, और नए वीडियोस आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये बस ये वीडियो सिर्फ यही फीचर्स के लिए जो बहुत लोग मांग रहे थे और हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियोस, अभी 1-2 दिन में और 2-3 वीडियोस आएंगे तो सारे वीडियोस देखो तो सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपका बढ़ जाएगा।